पेट्रोल पंप पे आ गए हैं अभी। उसामा का भी वेट कर रहे हैं, उसामा भी यही आ रहा है और यहाँ से पेट्रोल डाल के बाइक में तो फिर हम निकलते हैं। अब उसामा आ जाए फिर प्लान डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाना है। आज उसामा का वेट, ये उसामा आ चुका है, ये देख रहे हैं। कल की तरह आज फिर पेट्रोल नहीं मिल रहा और बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारी किस्मत ही ख़राब है। पर अभी हम देख रहे हैं कहीं और से मिल जाए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा दे रहे, लेकिन ये नहीं दे रहे, ये बोले बिल्कुल ख़त्म है। और अभी हम दूसरे पेट्रोल पंप आए हैं, यहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब है और यहाँ पर सामान खड़ा हुआ है पेट्रोल के लिए और थोड़ी देर में पेट्रोल हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं कहीं। अच्छा तो अभी आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अभी हम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पूरी हमने और फिर आगे मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। रिबोड़ी से आगे चीनू नाम की जगह है, यहाँ पे रोड के साइड पे एक मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे हम अभी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। अच्छा तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम कंडाओ है, ये उगी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ये बिल्कुल टॉप है, ये नीचे आप देख सकते हैं, एक साइड पे उगी और एक साइड पे भटग्राम डिस्ट्रिक्ट भटग्राम और एक साइड पे तहसील उगी। ये जो आपको नीचे रोड नज़र आ रहा है, एक साइड पे उगी, रोड की साइड पे उगी और रोड के दूसरे साइड पे डिस्ट्रिक्ट भटग्राम। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग आज आते आते थोड़ा लेट हो गए, अभी 6:05 है, हमें फिर पिकअप भी करना है। अब गाड़ी को थोड़ा बहुत कम टाइम और रास्ता काफ़ी दूर है, हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और आगे वो सामा अपनी राय दें और सामा यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम अभी बहुत शॉर्ट है, इसी वजह से वीडियो ख़ास नहीं बनी। तो जितनी वीडियो बन सकी उतनी बना लिए, अब आगे आपसे ड्रोन शॉट आपसे शेयर करते हैं, ड्रोन से जो व्यू नज़र आ रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं अभी। तो चलिए आप ड्रोन व्यू एंजॉय कीजिए।
देख सकते हैं पूरी यहाँ जो पीछे बिल्कुल ही पीछे ये उगी बाज़ार है और वो बिल्कुल टॉप पे जो सोशल टॉप और ये नीचे दिलबोड़ी बाज़ार है। ये नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे और ये साथ और जो गांव है बिस्कोट वगैरह और ये सब जो है और ये आप देख सकते हैं ये चुड़कलां का गांव है। मतलब इधर दूर दूर एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर घर अलग अलग बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं।